के मोस्ट एंटरटेनिंग शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में चल रहा है काफी हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, जहाँ भरमन और सौम्या की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो वहीं जहाँ अब ये बेचारे इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक हुए हैं, तो वहीं जहाँ भरत सिंह बन गया है इनका दुश्मन नंबर वन। जी हाँ, जहाँ भरत सिंह सौम्या को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है और वहीं इसलिए वो इन लव बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं जहाँ सौम्या और हरमन ने हार नहीं मानी है, जहाँ ये दोनों ही अपने बिजनेस स्टार्ट करके भरत सिंह को हराना चाहते हैं, तो वहीं जहाँ हरमन निराश है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, वहीं सौम्या हरमन की सपोर्ट सिस्टम बन जाती है और वहीं किन्नरों से हेल्प लेकर अपना टॉय का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिससे हरमन भी खुश हो जाता है। तो वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भरत सिंह सौम्या और हरमन की इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने देगा या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। सीरियल में और कौन सा नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, ये सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलर्स के मोस्ट एंटरटेनिंग शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में चल रहा है काफी हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, जहाँ भरमन और सौम्या की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो वहीं जहाँ ये बेचारे इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक हुए हैं, तो वहीं जहाँ भरत सिंह बन गया है इनका दुश्मन नंबर वन। जी हाँ, जहाँ भरत सिंह सौम्या को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है और वहीं इसलिए वो इन लव बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं जहाँ सौम्या और हरमन ने हार नहीं मानी है, जहाँ ये दोनों ही अपने बिजनेस स्टार्ट करके भरत सिंह को हराना चाहते हैं, तो वहीं जहाँ हरमन निराश है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, वहीं सौम्या हरमन की सपोर्ट सिस्टम बन जाती है और वहीं किन्नरों से हेल्प लेकर अपना टॉय का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिससे हरमन भी खुश हो जाता है। तो वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भरत सिंह सौम्या और हरमन की इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने देगा या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। सीरियल में और कौन सा नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, ये सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।